everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you're watching me for the first time, hi, I am Sustava Roy and welcome to another video. So आज मैं आप लोगों के लिए फिर से और एक affordable range में makeup product लेके आ चुकी हूँ. So जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बहुत सारे affordable makeup products share किए हैं मेरे channel पे. So अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे जल्दी जाके आप लोग देख लीजिए. मैं try करती हूँ कि आप लोगों के साथ share करने के लिए जो कि सिर्फ कम budget में ही नहीं बल्कि quality भी बहुत ही अच्छा होता है. So आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है जस्ट हर्ब्स का ये वाला जो मिनी उन लोगों ने लॉन्च किया है लिक्विड लिपस्टिक का जो सेट है वो. जी हाँ, आई रिसेंटली गॉट माय हैंड्स ऑन दिस लिपस्टिक एंड बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक्स मैं ट्राई करूँ. आई ऑलरेडी हैव सम न्यूड लिपस्टिक्स बट मुझे फिर भी थोड़े और ट्राई करने थे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे न्यूड लिपस्टिक्स नहीं थे. मुझे ये वाला जो मिनी किट है वो दिखा अमेजोन पे एंड आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड क्योंकि वहां पे रिव्यूज जो थे वो बहुत ही अच्छे थे एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस मेनी टाइम्स. लव दी शेड्स बट मुझे डाउट था कि शेड्स जो है वो कैसे आने वाले हैं बिकॉज मतलब फोन में कुछ अलग लगता है एंड सामने से कुछ अलग. सो ट्राई तो करना बनता ही है तो आई एम हियर टू ट्राई फॉर यू गाइज ताकि आप लोग आराम से परचेस कर सको. तो अगर आपको आज का मेरा ये लुक थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है सो डू चेक इट आउट, इट इज ऑलरेडी अप ऑन माई चैनल. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग गाइज. ये बहुत ही एक छोटू सा है, मतलब इसका साइज आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, लाइक इट्स स्मॉलर देन माई थंब फिंगर ऑल्सो एंड ये बहुत ही छोटे पैकेजिंग में आता है, एक छोटू सा बॉक्स है इसका एंड लेकिन ये मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा एंड बहुत ही ज्यादा ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड इसका जो पैकेजिंग है ये बिल्कुल भी चीप नहीं है, लाइक इट हैज अ वेरी गुड ग्लास बॉडी विद अ वेरी गुड डोफुट एप्लीकेटर. सो इसका जो एप्लीकेटर भी है इसका भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. सो इतने कम प्राइस में आई थिंक इट्स अ रियली गुड वर्क दे हैव डन ऑन द पैकेजिंग इटसेल्फ. एंड सो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो पहला शेड है जो आमंड ग्लेज वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो दिस इज द शेड आमंड ग्लेज गाइज. इसका जो फॉर्मुलेशन है इट इज वेरी लाइक बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी है. लेकिन आई मस्ट से वन थिंग क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक शेड अप्लाई किया है इस लुक को क्रिएट करने के टाइम पे कि ये जो है ड्राई होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है लाइक इन कंपेरिजन टू अदर लिपस्टिक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो मैंने जब उसको अप्लाई किया एंड ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्मच प्रूफ है क्योंकि अभी मैं अगर इसको बहुत ही मतलब प्रेस करके लू अपने फिंगर्स में तो कलर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है. सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर प्रूफ नहीं है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मच प्रूफ भी नहीं है. सो अगर आप लोग फूडी काइंड ऑफ पर्सन हो जो कि इस लिपस्टिक्स को डे टू डे यूज में लेना चाहते हो देन आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला है क्योंकि ये लिपस्टिक बहुत ही इजीली आपके लिप्स से चले जाने वाला है. सो इट्स अप टू यू कि आप लोग इस पे आना चाहते हो या नहीं बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ऑनेस्ट रिव्यूज विद यू. तो ये जो शेड है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है एंड आप लोग देख सकते हो कि अभी मैं आप लोगों के साथ बात भी कर रही हूँ कंटिन्यूअसली बट ये सूख नहीं रहा है उतना इजीली. सो यू गाइस कैन गेट द आइडिया कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो स्वॉचेस है वो शेयर कर देती हूँ एंड देन आप लोगों के साथ मैं ये सारी लिपस्टिक का जो शेड है वो ट्राई करके भी दिखा दूंगी एक बार. सो द नेक्स्ट वन इज दिस. सो इसका नाम है सॉफ्ट पिंक बेरी. तो इस शेड का नाम है सॉफ्ट पिंक बेरी. तो एक्चुअली ये वाला शेड ही मैं अभी अपने लिप्स पे लगाई हुई हूँ एंड आई एम जस्ट इन लव विद दिस शेड एंड इसका जो स्वॉच है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो दिस इज द शेड. मतलब ये जो शेड्स है ना ये मतलब काफी काफी सारे स्किन टोन्स पे अच्छे लगने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप फेयर स्किन टोन के हो देन ही आप पे ये जचेगा. नो इट्स नॉट दैट. अगर आप मतलब थोड़ा सा डार्क स्किन टोन के भी हो सो इट इज गॉट अ लुक फैब ऑन यू गाइज ऑल्सो एंड ये था सेकंड शेड. सो ये सेकंड शेड जो है सॉफ्ट पिंक बेरी. तो ये मैं और आप लोगों के साथ दूसरी बार भी नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये देख सकते हो मेरे स्किन पे. देन द नेक्स्ट वन इज दिस वन. सो इसका जो नाम है वो है बेरी न्यूड. So let me show you the shade first. Here we go. So ये है बेरी न्यूड. मतलब अगेन ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पिंक न्यूड है. मतलब क्या ही बताया इसको. मतलब इतने प्यारे न्यूड कलर्स एक साथ मेरे किट में आ चुके हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ. ओके सो नेक्स्ट ट्राइंग दिस वन सिनेमन स्पाइस. ये अगेन एक ब्राउन न्यूड में जा रहा है.
one is the cinnamon spice. So moving on to the next one, फिर हमारे पास जो shade है वो है licorice brown. Okay. So if I'm not pronouncing it wrong, it's licorice brown. So again, it's a brown nude. My God, I'm just falling in love with this colors, guys. ये वाला है the last one. So now you have got the swatches. Now let's try all the shades on and show with you guys. बहुत ही मजा आने वाला है. एंड जैसे कि मैंने आपको एक शेड शेयर भी किया है कि जिसको आप पहन के कॉलेज या स्कूल में भी जा सकते हो. सो आई थिंक ये बहुत ही एक अफोर्डेबल लिपस्टिक का जो किट है ये होने वाला है, लिपस्टिक का जो कलेक्शन है ये होने वाला है. बिकॉज आई थिंक दैट दीज 5 लिपस्टिक्स आर रियली bomb.com. और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही अफोर्डेबल रेंज के मेकअप प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ और भी ज्यादा शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट नेक्स्ट आप देखना चाहते हो. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है. डू गिव अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज मेकअप जंकीज जिनको न्यूड से बहुत ही ज्यादा प्यार है. सो उन लोगों को तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाला है. एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड अ न्यू वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.